मिर्जापुर शहर में राष्ट्र सेविका समिति महिला समन्वय दुर्गा वाहिनी व मातृ संगठन विश्व हिंदू परिषद की बहने श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व रविवार 7 जनवरी को भारी संख्या में नगर में भगवामय मातृशक्तियों ने शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान श्रीराम जन्मभूमि से संबोधित गीतों के साथ ही वंदे मातरम जय श्री राम के उद्घोष होते रहे। यात्रा का समापन नारघाट काली मंदिर पर हुआ, जहां मातृशक्तियों का भव्य स्वागत किया गया। बरियाघाट स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर पर शोभा यात्रा की मुख्य अतिथि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या माता पर पाथे आशीर्वाद मातृशक्तियों को प्राप्त हुआ। अपने उद्बोधन में महामंडलेश्वर ने कहा कि राष्ट्र की प्रत्येक माता को कौशल्या और सीता जैसी मां बनने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक बेटा राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुसरण कर सके और सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन कर सके। अपील किया कि माताएं बेटे बेटियों को शिक्षा देने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षित समाज से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इस पर प्रहार करने वाली ताकतों को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। सत्य सनातन धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंदर बंदव किन्नर रस नीचर कृपा करहु अब सर्व चौपाई के माध्यम से कहा कि सनातन की रक्षा के लिए किन्नर समाज का ही महत्वपूर्ण स्थान सदियों से रहा है। माता जी का ये प्रांगण में मातृशक्ति शोभा यात्रा का कार्यक्रम बहुत हर्ष उल्लास के साथ हो रही है। इस बीच में हमारे साथ हैं विभाग कार्यवाही का संध्या त्रिपाठी जी हैं, विभाग जिला उपाध्यक्ष मंजूलाल चौबे जी हैं, प्रांत कार्यवाही का माया पांडे जी हैं, रितु केसरी एवं डाली अग्रहरी जी, कार्यक्रम संयोजक विहिप के प्रदेश उपाध्यक्ष